जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लक्षणर आर्मी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनसीसी में फिजिकल एंड मेडिकल किस तरह से होते हैं, एनसीसी में फिजिकल एंड मेडिकल किस तरह से कराए जाते हैं। तो हमने हमारी पिछली वीडियो में बात किया था एनसीसी किस तरह से लिया जाता है, एनसीसी में सिलेक्शन कैसे होता है, एनसीसी कौन से महीने में अपनी भर्ती निकालता है। तो वो वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनसीसी में फिजिकल एंड मेडिकल किस तरह से कराए जाते हैं, फुल डिटेल बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एनसीसी फिजिकल एंड मेडिकल से रिलेटेड फुल डिटेल में बताऊंगा किस तरह से फिजिकल होता है, मेडिकल होता है। फिजिकल में कितनी हाइट चाहिए, कितनी वेट चाहिए, रनिंग कितनी करनी पड़ती है, मेडिकल में क्या क्या चेक करते हैं। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, एनसीसी में इनरोल करने के लिए आपको सबसे पहले एक इनरोलमेंट फॉर्म भरनी होती है। आप सभी का एक व्हाट्सअप ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप में एक नोटिस आएगा कि इस दिन आपकी फिजिकल होनी है। तो उस दिन आपको स्पोर्ट्स शूज एंड ट्रैक सूट पहन के फिजिकल के लिए जाना होगा। तो दोस्तों, आप जैसे ही फिजिकल के लिए पहुंचेंगे, आप देखेंगे वहाँ पे काफ़ी सारे एनसीसी कैडेट्स एंड पीआई स्टाफ होंगे। तो वो आपको कॉलेज वाइज लाइन में खड़े कर देंगे, एक तरफ गर्ल्स एक तरफ बॉयज। उसके बाद होगी आपकी हाइट चेकिंग। तो चलिए आप बता देता हूँ हाइट कितनी चाहिए। जो बॉयज कैंडिडेट है उनके लिए हाइट 168 सेंटीमीटर होने चाहिए एंड उनकी वेट 50 kg होने चाहिए। एंड जो गर्ल्स कैंडिडेट है उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर होने चाहिए एंड उनकी वेट 45 kg होने चाहिए। तो दोस्तों, हाइट एंड वेट चेकिंग के बाद होगी रनिंग। रनिंग बॉयज कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर रहेगा, जिसमें टाइम 6 मिनट दिया जाएगा। कई की जगह पे 400-500 मीटर भी दौड़ने के लिए लगाए जा सकते हैं, जिसमें टाइम नहीं दिया जाता है। जो जो कैंडिडेट आगे आते हैं उन्हें लिया जाता है। रनिंग के बाद होगी पुलअप्स, जिसमें 10 लगाना होगा। फिर होगी पुशअप्स, जिसमें 20 लगाने के लिए कह सकते हैं। फिर होगी सिटअप्स 30 लगाने के लिए भी कह सकते हैं। एंड गर्ल्स कैंडिडेट की बात करें तो गर्ल्स के लिए भी रनिंग 1600 मीटर रहेगा, जिसमें टाइम उनको 8 मिनट का दिया जाएगा। एंड कई की जगह पे 400-500 मीटर भी दौड़ने के लिए लगाए जा सकते हैं। एंड उसके बाद होगी गर्ल्स की पुशअप, उनको सिर्फ 10 लगाना होगा। एंड फिर होगी सिटअप्स उनको 20 लगानी होगी। तो दोस्तों, यही होता है फिजिकल में, रनिंग पुलअप पुशअप्स एंड सिटअप्स। तो दोस्तों, फिजिकल में मैंने जो कुछ भी बताया है मैंने खुद की एक्सपीरियंस से बताया है। तो कई की जगह पे इससे ज़्यादा या इससे कम होता होगा, लेकिन मैक्सिमम हर कॉलेजेस में फिजिकल इसी तरह से होता है। तो चलिए अब मेडिकल की बात करते हैं। तो दोस्तों, मेडिकल में सबसे पहले नोकनी चेक किया जाता है कि कहीं आपके घुटने आपस में मिलते तो नहीं, क्योंकि डिफेंस में घुटने आपस में मिलने से उसे नोकनी कहा जाता है और वो बंदा मेडिकली अनफिट होता है। तो अगर आपको नोकनी है, आपके घुटने आपस में मिलते हैं, तो मेरे चैनल में वीडियो है, उसे देख के आप ठीक कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आपकी फ्लैट फुट चेक किया जाता है कि आपके जो पैरों के पंजे हैं वो कहीं फ्लैट तो नहीं, तो वो चेक किया जाता है। उसके बाद आपकी हाथ चेक किया जाता है कि कहीं आपके हाथ टेढ़े मेढ़े तो नहीं, आपके हाथ सीधे है कि नहीं। फिर उसके बाद आपकी आंखें चेक की जाती है कि आपकी आंखें कहीं टेढ़े तो नहीं, एक इधर एक उधर तो नहीं, आप सीधे देख सकते हो कि नहीं। फिर आपकी बॉडी की पोस्चर को देखा जाता है कि बॉडी की पोस्चर सही है कि नहीं। फिर कहीं की जगह पे ऐसे भी कहा जा सकता है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर आओ। तो दोस्तों, हर जगह पर ऐसा नहीं होता है, लेकिन कहीं की जगह पर ऐसा होता है। तो दोस्तों, मेडिकल में लगभग इतना ही चेक करते, एनसीसी में उतना ज़्यादा चेक नहीं करते। तो दोस्तों, एनसीसी की फिजिकल एंड मेडिकल इसी तरह से किया जाता है। हो सकता है कई कॉलेजेस में थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन लगभग एनसीसी की फिजिकल एंड मेडिकल इसी तरह से होता है। मैंने जो कुछ भी आपको बताया है मैंने खुद की एक्सपीरियंस से बताया है। तो एनसीसी में फिजिकल एंड मेडिकल इसी तरह से होता है। अगर आप इसे भी देख कर फिजिकल एंड मेडिकल की तैयारी करते हो तो भी आपकी सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में एनसीसी रिटर्न एग्जाम्स के ऊपर भी डिटेल में वीडियो बनाएंगे, तो उसे भी आप जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर अच्छी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें लक्ष्य इंडियन आर्मी चैनल को,
एनसीसी से रिलेटेड वीडियोस आगे देखने के लिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।